सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। देश की प्रमुख तेल कंपनियों ने गुरुवार 24 मार्च के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी हैं। गुरुवार को देश भर में ईंधन के दाम स्थिर हैं। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 97.01 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 88.27 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर है। आपको बता दें कि 137 दिनों के बाद 22 मार्च को पेट्रोल और डीजल के भाव में 80.80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद 23 मार्च को भी तेल की कीमत 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ी थी। बीते दो दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज हो चुकी है। पेट्रोल इस दौरान 1.60 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा महंगा हो चुका है। वहीं थोक कीमतों में 25 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। रूस और यूक्रेन संकट की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर तेज उछाल आया है। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड का दाम 1.38% बढ़कर $123 प्रति बैरल हो गया। वहीं WTI क्रूड का भाव 1.08% चढ़कर $116.2 प्रति बैरल हो गया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल के भाव 111.67 रुपए प्रति लीटर पर है, जबकि डीजल 1 लीटर 95.85 रुपए में बिक रहा है। तेल कंपनियां पिछले 15 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेंचमार्क ईंधन की औसत कीमत और विदेशी विनिमय दरों के आधार पर प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल की दरों में संशोधन करती हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा तेल विपणन कंपनियों जैसे कि इंडियन ऑयल द्वारा दैनिक आधार पर की जाती है और कोई भी संशोधन सुबह 6 बजे से लागू किया जाता है। न्यूज़ पोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।